हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में जो कि काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है। तो बाय द वे आज मैं हूँ मामा के घर में और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं घर से मार्केट के लिए। आज हम लोग कुछ लेने की सोच रहे हैं, जो भी लेंगे वो आप लोगों से हम शेयर करेंगे। बाकी अच्छा मामा, गाड़ी रोज साफ करते हो आप? हैं आज स्पेशल कर रहा हूँ। आज स्पेशल कर रहे हो क्योंकि स्पेशल सामान लेने जा रहे हैं। अच्छा, बाकी दिन गाड़ी साफ कौन करते थे? ये मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, तो चलिए मामा का तो अभी भी गाड़ी साफ करने का काम चल रहा है। ओके जी, तो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग अब निकलते हैं मार्केट के लिए। बाकी ब्लॉग रोज ना आने का रीज़न ये था कि मम्मी का पैर का ऑपरेशन होना था जो कि 1 मार्च को बढ़िया तरीके से हो गया है। तो फिलहाल हम लोग अभी मामा के वहाँ रुके हुए हैं और 15 तारीख को हमें फिर से हॉस्पिटल जाना है मम्मी को लेकर। तो देखते हैं उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं। फिलहाल तो हम चल दिए सामान लेने के लिए। तो काफ़ी मैं अभी एक्साइटेड हूँ और मामा तो पता नहीं है नहीं है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद पड़ रहा है फर्क है मामा, पड़ रहा है? जब ये बैग जो ले जा रहे हैं ना ये खाली करके आएंगे तब शायद फर्क पड़ सकता है। बढ़िया वाला या नुकसान वाला या फायदा वाला जो भी होगा सोचा उसके बाद देखा जाएगा। हाँ फिलहाल तो मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, वो दुकान में जाके मतलब मार्केट जाके उसके बाद फर्क पड़ेगा, है ना? आप बेल्ट लगाइए तब तक। हाँ मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे ना ये टोटो करते रहेगा, तो ये लगा लेते हैं और टोटो भी नहीं करेगा। और उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेफ्टी हो जाएगी अपनी। तो ये देखिए जनाब, ये है दिल्ली की लाइफ, दिल्ली की जिंदगी। कोई कहीं व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है, कोई किसी में व्यस्त है, कोई किसी में व्यस्त है। सबको आना है, सबको जाना है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। ओके जी, तो जहाँ पे हमने जाना था हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, मगर एक छोटी सी दिक्कत हो गई है पार्किंग की। मामा ने गाड़ी तो लगा दी है बढ़िया करके, मगर अब मैं यहाँ से दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। ये देखिए खोल पा रहा हूँ मगर उतर नहीं पाऊंगा, तो मैं उतरता हूँ पीछे के रास्ते ऐसे कुछ। ये ऐसा भी थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग आए हुए हैं विजय सेल्स के पास, तो चलते हैं अंदर। आगे आगे है मामा, पीछे पीछे हूँ मैं। तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना भूल गया था कि हम लोग क्या लेने के लिए आए हैं। हम लोग आए हुए हैं फ़ोन लेने के लिए, तो देखते हैं कौन सा फ़ोन हमें पसंद आता है। यहाँ पे ऐसे कुछ लगे हुए हैं सभी ब्रांड के फ़ोन, तो देखते हैं। ये है तो अल्ट्रा, ये है हमारी पसंद जो हम सोच के आए थे। और बाकी और भी देखते हैं, क्या पता कुछ और पसंद आ गया तो ये लंगे या नहीं लंगे देखेंगे। जो भी है फिलहाल तो ऐसा कुछ ये दिख रहा है। तो फिलहाल फ़ोन मंगा रखा है और यहाँ पे हो रहा है पेमेंट करने का तामझाम। जो भी चीज़ें हैं बाहर निकाली जा रही हैं मामा के द्वारा। तो भाई साहब थोड़ी देर इंतज़ार करना है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं नए फ़ोन के लिए। अच्छा भी लग रहा है मतलब। और वैसे तो हम लेने के लिए आए थे 1,35,000 का फोन। हाँ कितना? 1,35,000 का मिल रहा है, बट ऑफर वगैरह वगैरह चला के वो हमें थोड़ा कम का बैठ जा रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे लेने के लिए आए थे 256 GB वाला, बट वो है नहीं,
तो हमें मिल रहा है 512 GB ग्रीन कलर का, उसी का इंतजार हो रहा है। तो अभी चल रहा भाई बिलिंग का काम, जो कि दिल पे हाथ रख के मामा पेमेंट कर रहे हैं अभी। है मामा, दुख रहा है दिल बहुत ज्यादा कि थोड़ा थोड़ा? चलो जो भी, आप तो ले ही लिया, आप तो हो भी नहीं सकता कि हाँ भाई वापस कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना, है ना मामा? हो सकता है? ओके जी, तो बिलिंग का काम हमारा हो गया है बाकी, और अब एक बार प्रोडक्ट हाथ में ले लेते हैं। और बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना काम। अरे आओ ना जल्दी, ऐसे क्या देख रहे हो यार? चलो चलते हैं, हम ज्यादा लग गया क्या चूना मामा? देखो मामा को ऐसा चूना लगा, यहाँ भी सफेद सफेद हो गया। एक लाख, ये देख बिल देख, 1,26,500 रुपये। तो यहाँ पे मिलेगा हमें हमारा प्रोडक्ट, जो कि थोड़ी देर पहले हम यहीं पे छोड़ के गए थे। कोई और तो नहीं ले गया भैया? तो यहाँ पर आएगा हमारा प्रोडक्ट, तो रख दो जी, रख दो यार। तो ये है प्रोडक्ट मामा, तो ये हो रहा है भाई। ओए खुला खुला खुला, ये देखो जी, ठीक है ठीक है, मजा मा। ओ भाई खुशी खुशी, बहुत खुशी हो रही है। ओके जी, तो फोन हमने ले लिया है, बाकी अभी तक मैं जो ब्लॉग शूट कर रहा था वो मामा के फोन से कर रहा था, तो अब स्विच करते हैं अपने नए फोन में। ओके जी, तो अभी ये ब्लॉग बन रहा है नए फोन के फ्रंट कैमरे से, और अभी एक बार जो रियर कैमरा है वो भी देख ही लेते हैं फिर। तो भैया जी, ऐसा कुछ है इसका रियर कैमरा, कुल मिला के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब फटाफट से एक बार घर चलते हैं। ओके जी, तो मैं मामा को ऑफिस छोड़ के घर पे पहुंच गया हूँ, और गाड़ी भी मैंने पार्क कर ली है, और अब एक बार अंदर जाते हैं और मम्मी को बताते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा वाला फ़ोन लिया है। देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है, और साथ में मामी का रिएक्शन भी देखते हैं। ओके जी, तो जैसे ही मैं घर के अंदर आया ना, तो यहाँ आ चुके थे मुझसे पहले ही बबलूदा, तो उन्होंने पूरा रंग लगा के ना अजीब ही कर दिया था। तो उसके बाद मैं बाहर गया था फ़ोन का कवर देखने के लिए, मगर मिला नहीं, तो फ़ोन का कवर अब कल ढूंढेंगे। बाकी अब मैं नहा धो के बढ़िया सा हो गया हूँ, तो एक बार मम्मी को भी फ़ोन दिखाते हैं, और अभी मामी बाहर गए हुए हैं, और जब मामी आ जाएंगे तो मामी को भी फ़ोन दिखाएंगे, तो इन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले मम्मी को दिखाते हैं, ये मम्मी फ़ोन कैसा लग रहा है? सस्ता ही है बस। है ना, है कितने का होगा मामी? मैं बताऊं? बताओ पता कितने का? तो दीपेश तो आते ही फोन में लग गया है भाई, कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है, स्टाइलिश भी मिला इसके साथ। अच्छा, तो चलिए, जिसके लिए हम मार्केट गए थे वो चीज़ आ चुकी है, बाकी काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।